हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब वीडियो थंबनेल्स के ऊपर। दोस्तों, हम जब भी कोई वीडियो यूट्यूब में या फिर किसी दूसरे साइट में देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करता है वो होता है उस वीडियो का थंबनेल। हो सकता है कि एक वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें अच्छा थंबनेल का यूज़ नहीं किया गया है तो उस वीडियो में जितना व्यू एक्चुअली में मिलना चाहिए उतना व्यू उस वीडियो में नहीं मिलेगा। इसीलिए एक वीडियो का व्यूज़ में थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक थंबनेल किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और उसमें जो ट्रिक्स बताया गया है वो सारे अपने थंबनेल में आप यूज़ कर सकते हैं। इवन यूट्यूब ने भी अपना गाइडलाइंस दिया हुआ है कि एक थंबनेल बनाते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, आप उन गाइडलाइंस को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली 5 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली आप अपने थंबनेल्स में यूज़ करें एंड जिसको यूज़ करने से आप अपने थंबनेल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो एंड ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सकते हो। दोस्तों, मैं कोई यूट्यूब में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने थंबनेल्स के ऊपर कुछ रिसर्च किए थे अपने वीडियोज़ के लिए एंड उसके दौरान मुझे जो जो चीज़ मेरे नोटिस में आया, जो मुझे मिला, वही सारे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक थंबनेल जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब एक वीडियो का जो कंटेंट है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है एंड थंबनेल, ये चारों चीज़ एक ही लाइन पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों चीज़ एक ही लाइन पे होता है तो आपका वीडियो कुछ हद तक ऑप्टिमाइज होता है एंड आपके वीडियो का हायर रैंकिंग का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ है कि हमेशा अपने वीडियोज़ में हाई कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज़ करें। हाई कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स की तरफ ह्यूमन आइज अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए अगर ऐसे कलर्स का यूज़ आप अपने थंबनेल्स में करोगे तो डेफिनेटली आपका थंबनेल ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और इसी तरह से ज़्यादा व्यू गेन कर सकता है। अगर आपको कलर्स के ऊपर ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप उन चैनल्स को देख सकते हैं जिसमें अच्छे अच्छे थंबनेल्स लगाए गए हैं और वहाँ से कलर्स का आइडिया ले सकते हैं, या फिर आप किसी गूगल में जाके किसी कंपनी का लोगो या फिर इमेजेस देख सकते हैं जहां से आप कलर का जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको अपने थंबनेल्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि हमेशा अपने थंबनेल में एक ह्यूमन एलिमेंट का यूज़ करें और प्रिफरेबली उसको टाइटल या जो कंटेंट है उसके साथ मैच कराएं। एक ह्यूमन एलिमेंट का यूज़ करने से आपके थंबनेल जो है वो व्यूअर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट होता है एंड इसीलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स का कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन थंबनेल्स में खाली टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। ये अच्छा हैबिट नहीं है या फिर अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, उसको अवॉइड करें एंड एक ह्यूमन एलिमेंट का यूज़ करें। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो है कि हमेशा मिनिमलिस्टिक टेक्स्ट का यूज़ करें। लेट्स से मैंने एक वीडियो बनाया है 6 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज व्हिच कैन रिड्यूस योर बेली फैट विद इन 1 मंथ। अगर ये पूरा सेंटेंस मैं अपने थंबनेल में यूज़ करता हूँ तो मेरा जो थंबनेल होगा वो टेक्स्ट से भरा होगा एंड वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करना चाहिए कि अपना जो थंबनेल हो उसमें मिनिमलिस्टिक टेक्स्ट हो और एक रेशियो फॉलो करना चाहिए कि जो टेक्स्ट एंड जो ह्यूमन एलिमेंट है उसके बीच में रेशियो हमेशा 1:3 के आसपास होना चाहिए। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए एंड डेफिनेटली जो आपके थंबनेल्स को एक कम्पिटिटिव एज देगा वो है रूल ऑफ थर्ड। ये एक फोटोग्राफी का रूल है जिसमें आप अपने थंबनेल्स को 9 इक्विवेलेंट स्क्वेयर्स में या फिर रेक्टेंगल में डिवाइड करोगे ऐसे लाइन खींच के, ओके, एंड जो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसमें ही आपको अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना है। मतलब अगर आपने एक मोबाइल का रिव्यू बनाया है तो उस मोबाइल का जो इमेज होगा वो उन लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसमें आपको रखना है। अगर ह्यूमन एलिमेंट का भी यूज़ किया है तो उसको भी उसी तरह से आपको प्लेस करना है। ये एक फोटोग्राफी का टेक्निक है और इसको यूज़ करने से आपका जो थंबनेल होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। इन 5 ट्रिक्स के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जैसे कि आप अपने थंबनेल्स में अगर किसी ह्यूमन इमेज का यूज़ कर रहे हैं तो इमेज जिस तरफ देख रहा है उसके सामने वाला पोर्शन आप ब्लैंक रखें। ये एक फोटोग्राफी का टेक्निक है, इसको यूज़ करके आप अपने थंबनेल्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। उसी तरह से अगर आप टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हो तो उसका जो कलर होगा वो इस तरह से यूज़ करें कि वो बाकी इमेज से वो पॉपअप होकर रहे या फिर वो बैकग्राउंड कलर के साथ वो मैचअप या मिक्सअप नहीं हो, इस तरह से आप उसको यूज़ करें। उसके अलावा भी जब आप थंबनेल को एडिट कर रहे हो तो आप उसको तो लैपटॉप में एक बड़े स्क्रीन पे एडिट कर रहे हो, तो इसीलिए एडिट करते समय हमेशा जूम आउट करके उसको स्मॉल साइज बना के देखें कि आपका जो थंबनेल है वो स्मॉलर डिवाइस से जैसे मोबाइल या फिर टैबलेट्स में किस तरह से दिखाई दे रहा है, क्या टेक्स्ट सारे विजिबल हैं या फिर सारे चीज़ जो आप दिखाना चाहते हैं वो क्लियरली विजिबल हो रहा है कि नहीं। आप इन सारे टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं एंड मैं श्योर हूँ कि इन टेक्निक्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइन कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अपने थंबनेल्स में क्या टेक्निक्स यूज़ करते हो
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए जाने वाले चैनल आइकन को जरूर क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं मिलता हूं एक नए टेक वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।